स्वागत है व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, आप सबको मेरे चैनल में फिर से। आज की वार्ता केंद्रित है जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है। व्यूअर्स, जीवन का कल्याण हो जाए इससे ऊंची कोई गति नहीं है। ऐसी जो श्रेष्ठ गति मुक्ति है उसको सुगति कहते हैं। परम सिद्धि भी वही है जो इस राम नाम से प्राप्त हो जाती है। स्वाद तोष सम, यानी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान राम नाम है। व्यूअर्स, जैसे भोजन किया जाता है तो उसमें बढ़िया रस आता है, भोजन करने के बाद में तृप्ति और संतोष होता है, ऐसे ही ये राम नाम सुगति और सुधा के स्वाद और तोष यानी कि तृप्ति के समान है। मानो र मधुरिमा और म संतोष है। र कहते ही मुख खुलता है और म कहते ही बंद होता है। भोजन करते समय मुख खुलता है और तृप्ति होने पर मुख बंद हो जाता है। इस प्रकार रा और माँ अमृत के स्वाद और तोष के समान है। भोजन की परीक्षा के लिए जीभ पर रस लेकर तालू से लगाने पर पता लग जाता है कि उसमें रस कैसा है। जहाँ से रस लिया जाता है वहीं ही रा का उच्चारण होता है। रा कहने में स्वाद, सुधा का स्वाद आता है और मह कहने में तोष हो जाता है। राम 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 ऐसे कहते हुए एक बहुत विलक्षण रस आता है, उससे सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। नाम में रस आने पर फिर दूसरे रसों की जरूरत नहीं रहती। जिनको भगवान में रस आ जाता है उनकी
संसार की विषयों से रुचि हटनी शुरू हो जाती है। ये पुण्य उदय होने का संकेत है। ये पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे कर्मों के फल उदय होने का संकेत है कि राम नाम का जप आप कर पा रहे हैं और आपको रस आ रहा है। व्यूअर्स, जब तक संसार के विषयों की रुचि रहती है तब तक भगवान नाम में रस नहीं आता। भगवान के नाम में जब रस आना शुरू हो जाता है फिर सारे रस फीके पड़ जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि राम नाम मेरे को मीठा लगता तो सब के सब रस फीके हो जाते। भोजन के 6 रस और कावे के 9 रस होते हैं, ये सब फीके हो जाते हैं क्योंकि ये सब बाहरी हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से मिलने वाला रस निरसता में बदल जाता है। संसार में जितने रस हैं वे विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले हैं। वे आरंभ में अमृत के समान लगते हैं परंतु परिणाम में जहर की तरह होते हैं। इस तरह विचार ना करने से मनुष्य विषयों में फंसता है। जो विचारवान सात्विक पुरुष होते हैं वे पहले परिणाम की तरफ देखते हैं, इस कारण वे फंसते नहीं हैं। सजनों, ये बात ऐसी ही केवल कहने सुनने की नहीं है, समझने की है और समझकर काम में लाने की है। आदमी को सोच समझकर काम करना चाहिए। विचार पूर्वक काम करने वाले को परिणाम में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिना विचार किए काम करने से आगे दुख पाना पड़ता है और ये बात हृदय में भी खटकती रहती है। मनुष्य अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दे और दूसरों के हित के लिए काम करे तो उसका जीवन सफल हो जाए। सात्विक वृत्तियों की मुख्यता रखकर अर्थात विचारपूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। लोग भोजन करते हैं तो दुख, शोक और रोग देने वाले रजसी भोजन से में प्रवृत्त होते हैं, जानबूझकर कुपथ्य कर लेते हैं। छोटे से जीव के टुकड़े के वश में होकर 3.5 हाथ के शरीर का नुकसान कर लेते हैं। अगर विवेक होता तो शरीर का नाश क्यों कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अभक्षण भक्षण करके नरकों की तैयारी कर लेते हैं। व्यूअर्स, राम नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुगति रूपी जो सुधा है ये सदा के लिए तृप्ति करने वाली है। सदा के लिए लाभ हो जाए, जिस लाभ के बाद और कोई लाभ बाकी नहीं रहता, जहाँ कोई दुख पहुँच ही नहीं सकता, ऐसे महान आनंद को प्राप्त कराने वाली जो श्रेष्ठ गति है उसका रस नाम राम नाम का जप करने से आता है। जो राम नाम से तृप्त हो जाते हैं फिर वे सांसारिक भोगों में फंसेंगे नहीं। उनसे कहना ही पड़ेगा कि पाप अन्याय मत करो, उनकी पाप अन्याय में रुचि रहेगी ही नहीं। जिनको भगवान नाम का रस नहीं मिला है वे धन इकट्ठा करने और भोग भोगने में लग जाते हैं। सजनों, माताओं बहनों, भगवान के नाम में रस लो, इसमें तल्लीन हो जाओ, रात दिन इसमें लग जाओ, आपसे आप पाप अन्याय छूट जाएगा, निश्चित आचरणों से स्वतः ही गलानी हो जाएगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती, कारण क्या है? अंतकरण मैला है। जो खुद मैला है उसे मैली चीज़ें ही अच्छी लगेगी। मक्खियाँ मिठाई पर तभी तक बैठी रहती है जब तक मैले की टोकरी पास से होकर ना निकले। मुंह पर मक्खियाँ बैठने लगे तो बढ़िया सुगंध वाला इत्र थोड़ा सा लगा लो, फिर मक्खियाँ नहीं आएगी क्योंकि उनको सुगंधी सुहाती ही नहीं। ये तो घाव पर जहाँ पीप खून मिले वहीं बैठेगी। ऐसे ही जिसका मन अशुद्ध होता है वही मलिन वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होता है। भगवान के नाम रूपी सुगंध के मिलने पर फिर मैली वस्तुओं की तरफ मन नहीं जाएगा। सजनों, ये बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो और प्रभु के चरणों का सहारा रखो। जैसा साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं
वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवान नाम, सत्संग और सत शास्त्रों के अध्ययन में रस लेना चाहिए। इस रस के लिए मानव जीवन मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा, वो रात दिन राम जप में लग जाएगा। फिर वो संसार के विषयों में फंसेगा ही नहीं और उसकी जीवन की महिमा बदलने लगेगी। जिसने राम नाम की महिमा को जान लिया, वो भवसागर पार चला गया। वो क्या से क्या प्राप्त कर गया, हर चीज उसके सामने हाजिर हो जाएगी। ईश्वरीय लीलाओं को समझने लगेगा, उसका जीवन आज के बाद परिवर्तित हो जाएगा। व्यूअर्स, इस वार्ता के साथ मैं आपको वीडियो में एक ऐसे हनुमान जी के मंदिर का दृश्य दिखाऊंगा, तस्वीर हनुमान जी का। ये बहुत सिद्धि है जो मेरे आध्यात्मिक हिमालय की यात्रा के दौरान, जब मैं साधना के लिए गया था, तो इस दौरान मैंने यहाँ भी कई उस समय तपस्या की। वो तस्वीर आज के वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत चमत्कारी, बहुत ही आपको सिद्धि देने वाला। अगर आप इस तस्वीर से पा गए तो मेरा पूरा विश्वास है कि जीवन में रूपांतरण आएगा। कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तस्वीर को देखकर आप साधना करना, कुछ समय तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ देखे जा रहा हूँ। आज की वार्ता यहीं समाप्त करता हूँ। इसी आशा से आप ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में तेज गति से बढ़ेंगे, राम नाम का जप लेंगे और माया रूपी संसार से थोड़ा सा कटकर अपने आप को, ये बैंक बैलेंस, राम नाम का जो बैंक बैलेंस है वो इकट्ठा करोगे, बाकी चीज़ें अपने आप आना शुरू हो जाएगी। जब आपका राम नाम का बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो माया अपने आप आएगी, जो आप चाहते हो वो अपने आप कराएगा ईश्वर। धन्यवाद। जय श्री राम। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सतगुरु लोक उजागर। राम दूत यतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जगावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, राम चरित्र के ताज संवारे। गाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सिउर लाए। रघुपति किम ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सह सुवदन तुम रोजस गावे, अस नहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित यही सा। जम कुबेर दिकपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके नहाते। उपकार सूत्रि वही किन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मूत्रिका मेलि मुख मानि, जल दिलांगि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु मैं सारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डरना। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक भागते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब
सब पीरा, जब निरंतर हनुमंत पीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन ब्रह्म भजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके ताज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के गाता, अस पर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे वचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त दहाई, और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख धरई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनी रहे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव दीनाई, जो सत बार पाठ कर बोली, छूटहि पंथि महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि जय राखी, जे नाथ हृदय मही डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय सब सुरूप, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अज रविहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अज रविहारी, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, परनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सतगुरु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र रुथ जा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणीयत चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जगावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के ताज संवारे, गाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सिर लाए, रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस नर श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित यही सा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके नहाते, तुम उपकार सूत्रि वहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलोटाहि मधुर फल जानु, प्रभु मूत्रिका मेरी मुख मानी, जल दिलांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु बैसारे, सब सुख नहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डरना, आपन तेज समारोह आपे, दीनो लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत पीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन ब्रह्म भजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके ताज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध
जगत नियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हस्त सिद्धि नवनिधि के दाता, अस पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख धरई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव दीनाई। जो सत बार पाठ कर बोली, छूटहिं कन्हि महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि जय राखी, जे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसन सुर भूप। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।